करें तो हाँ मार्केट से और हमारी शॉप में से क्या मतलब डिफरेंस है या नहीं है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मार्केट में ना, हर चीज़ का अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंस है। कुछ चीज़ें कहीं महंगी है, कुछ चीज़ें सस्ती है, लेकिन ओवरऑल अपनी शॉप पे जो आपके यहाँ पे मैंने काम कराया है तो ओवरऑल काम अच्छा था और रेट भी अच्छे थे, बहुत तो बढ़िया। मतलब सुजुकी का टॉप मॉडल वाला भाई स्टेयरिंग, ठीक है चेक कर लो भाई, अगर क्लोज से चेक करा दो भाई, डबल टोन के साथ आता अपना स्टेयरिंग, आधा ब्लैक होता है आधा सिल्वर यानी क्रोम फिनिश जिसको बोल सकते हैं, आधा भाई डबल टोन के साथ बढ़िया चीज है भाई, डेप्थ के स्टीरियो के, ठीक है। और साथ में ना इसके साथ भाई 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। हाँ जी हमारे डेप्थ के स्टीरियो के साथ आपको मिल जाती है 2 साल की पूरी वारंटी स्टीरियो के बाद। सो वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का दोबारा एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास ब्रीजा थी, ब्रीजा जितना भी था प्रॉपर मॉडिफिकेशन था जिसमें बेस टू टॉप तक का सारा काम था। तो आज की वीडियो भी हमारे साथ ब्रीजा ही रहने वाली है, तो एक बार देख लो भाई अपनी ब्रीजा एलेक्स आई है। और एक बार अपनी शॉप देख लो भाई, शॉप का अपना ये फ्रंट का व्यू है, तो क्लासिक कार डेकोर अपनी शॉप है। शॉप का एड्रेस रहने वाला है 8/27A अब्दुल अजीज रोड एंड करोलबाग की मेन मार्केट है, ठीक है। मेन मार्केट इस बगल में ही है, जो अपना अब्दुल अजीज रोड है, ठीक है। तो जैसे कि भाई अपने सामने हमारी खड़ी हुई है हमारी ब्रीजा, ब्रीजा एलेक्स आई, एक बार टोटल ओवरऑल लुक दिखाता हूँ मैं गाड़ी का लुक कैसे रहने वाला है। और इसमें दिखाते हैं आपको जो काम होने हैं, काम के बारे में आपसे मतलब भैया से पूछवाते हैं, ठीक है ये चेक करो भाई। तो भाई जैसे कि हमारे सामने राहुल भैया, तो राहुल भैया क्या हाल चाल? ठीक भैया। तो राहुल भैया क्या क्या हो रहा है अपने इस ब्रीजा में? पूरा टॉप का। तो बता दो एक बार शुरू में, मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब एक एक चीज बता दो एक बार। आइए इसमें एड्रेस है? नहीं है भैया, एड्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। अच्छा मतलब इसमें नहीं है, बना दोगे इसमें? बना के डालेंगे। अच्छा बना के डाल देंगे, ठीक है भाई। लोडिंग हो रही है अपनी, डैम्पिंग हुई है अपनी, डैम्पिंग हुई है भाई, डैम्पिंग देख लो अभी, इसके बारे में सब डिटेल में बताएंगे। और बताओ भैया, डैशबोर्ड किट लग रहा है, सेलिंग किट लग रहा है, नागिन डाल रहे हैं, स्टीयरिंग पूरा चेंज कर रहे हैं, ठीक है भैया। और उसके बाद इंस्टॉल कर रहे हैं सीट कवर, इंस्टॉल हो रहे हैं। और भैया फॉग लाइट का काम होना बाकी है। अच्छा फॉग लाइट का भी मतलब वर्क अभी होना है। और क्या हो रहा है? रूफ रेल। अच्छा मतलब ये तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है भाई, देखो रूफ रेल कुछ पूरा सारा काम हो रहा है। हाँ जी डीडीओ कंपोनेंट भाई, डीडी के कंपोनेंट भी डल गए हैं भाई आगे पीछे गेटों में, अभी इसके बारे में सब डिटेल बताएंगे। अभी एक भैया से बस एक मतलब एक आइडिया ले रहे हैं अभी क्या क्या हो रहा है। और रिफ्लेक्टर का भी काम हो रहा है इसमें, और हमने इसमें आगे स्टूडियो पीछे कैमरा। अच्छा आगे स्टूडियो भाई और पीछे कैमरा, एक बार दिखा दूं, अभी काम चल रहा है। देखो भाई अपने सामने रखा हुआ है डेप्स का स्टूडियो, और पीछे भी कैमरे का वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब होगा तो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सब जितना भी है मैं डिटेल में बताता हूँ आपको सारी चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें। तो ये भैया से हमने एक मतलब मोटा मोटा एक आइडिया सा ले लिया था। तो सबसे पहले दोबारा चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये देखो भाई ये चीज़ चेक करो भाई, यहाँ पे अपना जो ओरिजिनल वाला आर्म रेस्ट मतलब जो सुजुकी से जो टॉप मॉडल में आता है वही सेम मतलब आर्म रेस्ट लगा दिया भाई, चेक करो। तो ये होने वाला अपना आर्म रेस्ट के बाद मैं दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे गाड़ी के यहाँ पे होगी नीचे फ्लोरिंग, जो कि भाई सबसे बढ़िया चीज़ है भाई। ये दो ये कमाल की चीज़ लेके आए भैया, प्रॉपर ओरिजिनल बिल्कुल टॉप मॉडल वाली चीज़ है भाई। और इसमें लगने की भाई एक पुराना लुक देख लो एक बार इसका, और लगने के बाद कुछ ऐसा नया बिल्कुल शाइनिंग एक क्रोम फिनिश के साथ आ जाती है भाई ये चीज़, ठीक है। अभी ये लगने के बाद इसका लुक दिखाएंगे कैसा लगेगा लगने के बाद। तो भाई देखो मैं फ्लोरिंग पे था, फ्लोरिंग दिखा दी आपको, फ्लोरिंग अभी अपनी जितना भी था फ्लोरिंग का कंप्लीट हो चुका है। तो फ्लोरिंग के बाद आपको दिखाता हूँ भाई ये चीज़ देखो, ये है बेस मॉडल का ब्लैक कलर और जितना भी नॉर्मल सा, ठीक है। अभी ये पूरा चेंज होगा भाई, पूरा डैशबोर्ड आगे से लेके मतलब पीछे तक देखो, ये जितना एरिया है सारा चेंज हो जाएगा। ये इसका पूरा एक ब्राउन एक कॉफी मतलब कॉफी कलर के साथ जो फिनिश आता है आपका सेम वही हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भाई ये भी पूरा एरिया चेंज हो जाएगा गाड़ी का, ठीक है। ये इसके साथ साथ और दिखाता हूँ इसमें आगे भाई, इसमें डले भाई कंपोनेंट डीडी के, तो ये देखो भाई चेक करो, तो इसमें डले हैं डीडी के कंपोनेंट। तो भाई देखो भाई जैसा कि आगे की तरफ काम हो रहा है, तो भैया से पूछते हैं तो भैया कौन से कंपोनेंट होने वाले अपने? डीडी कंपनी के। तो भाई डीडी कंपनी के अपने कंपोनेंट मतलब होने वाले हैं आगे के दोनों गेटों में लगने हैं। एक गेट में हमारा जो मतलब काम हो चुका है कंप्लीट बिल्कुल डीडी का जो कंपोनेंट लगा था, और दूसरे गेट में चालू है और रिंग लगा के लगाए जा रहे हैं प्रॉपर फिटमेंट के लिए, है ना भैया? तो भाई रिंग से भाई बिल्कुल बढ़िया वाली फिटिंग हो जाती है। और डैम्पिंग का भाई देखो अपना डैम्पिंग अपना यहाँ पे पूरा हो चुका है काम, अंदर से डैम्पिंग मतलब पूरा लग चुकी है, और इसके बाद अभी अपने स्पीकर लग जाएंगे, तो उसके बाद डैम्पिंग भाई ऊपर से भी कर दी जाएगी ताकि हमारे स्पीकर को अच्छा सपोर्ट मिले, है ना भैया? तो भाई डैम्पिंग के भी कई सारे फायदे हैं, जैसा कि हमेशा की तरह मैं दिखा दूँ आपको हमारी डैम्पिंग रहने वाली। देखो पैरामार्ट की ये शीट पूरी नहीं है, थोड़ी सी इसमें शीट काट दी गई है, तो पूरी शीट भाई बहुत बड़ी होती है। तो डैम्पिंग का एक बार मैं आपको फायदा बताता हूँ कि फायदा क्या रहने वाला है डैम्पिंग का।
भाई डैम्पिंग से फर्क ही होता है, गाड़ी के जो गाड़ी के जितने भी डोर्स एंड डोर्स हो जाते हैं हैवी, और जो बाइक वाले साइड से डेंट मार देते हैं या बाइक वाले या कोई बच्चा खेलता मतलब हाथ हाथ मारता तो डेंट पड़ जाता है, ठीक है, तो वो डेंट ना लगे इस मारे कर दी जाती है डैम्पिंग। और दूसरा फायदा डैम्पिंग अपना ये वाला ना मतलब होने वाला है कि जो गाड़ी में साउंड सिस्टम होता है उसके जो साउंड को और ज़्यादा इनहेंस करता है, और बाहर की जितनी भी वियर्ड नॉइज़ होती है ना भाई, बाहर की वियर्ड नॉइज़ नहीं आती, शांति मिलती है, साउंड सिस्टम बहुत डिसेंट वर्क करता है, बहुत सारी चीज़ें भाई यही सारी, तो इसलिए डैम्पिंग करा लेनी चाहिए। तो डैम्पिंग के साथ भाई इसमें दिखाता हूँ अलॉय जो भी मतलब इंस्टॉल हो चुके हैं, ये देखो भाई चेक करो सुजुकी के अपने ओरिजिनल रहने वाले ये अलॉय, बिल्कुल भाई सेम जो कंपनी से आते हैं वही चीज़ भाई इंस्टॉल कर दी गई है। तो ये देखो भाई ये भी यहाँ पे वर्क चल रहा है। इसके साथ साथ भाई गाड़ी के अंदर एक बार देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो ये देखो भाई यहाँ पे भाई भैया लगा रहे हैं एसी वेंट ना भैया, तो भाई एसी वेंट भी देखो भाई प्रॉपर ओरिजिनल, सब कुछ टोटली ओरिजिनल भाई, कोई मतलब ऐसा कोई नॉर्मल वो नहीं है, सारा का सारा ओरिजिनल काम है। और सीट कवर्स का देखो भाई यहाँ पे सीट कवर्स का भी काम स्टार्ट हो गया, तो वीडियो में बने रहना, जैसे जैसे काम होता रहेगा दिखाते रहेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें एक एक करके, बस स्किप करने की मत सोचना क्योंकि कई सारी चीज़ें मिस हो जाएगी, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब आज की इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में। जैसा कि भाई देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो काम था, हमारे जो कंपोनेंट लगा था, कंपोनेंट का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इसके बाद भाई इसमें वैसे काम तो सिर्फ इनर डैम्पिंग का होता है, लेकिन यहाँ पे आउटर कर दी गई है किस मारे के, ताकि स्पीकर को ज़्यादा सपोर्ट मिले भाई, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, एक बार स्पीकर दिखा मतलब कॉम्पोनेंट है तो देखो भाई ये अपने कंपोनेंट रहने वाले डीडी के, ठीक है, और 540 वाट के अपने आते हैं भाई, बिल्कुल एक हैवी और एक अच्छा मतलब अच्छे साउंड के लिए जाने जाते हैं अपने डीडी के कंपोनेंट। तो आगे के दोनों गेटों में भाई डीडी के कंपोनेंट और पीछे के दोनों गेटों में डीडी के स्पीकर, ठीक है। और ये देखो ये कंप्लीट हो चुका है, अभी काम स्टार्ट होगा भाई किस चीज़ का, अपनी जो नागिन लगनी है, अपने नागिन काम स्टार्ट होना है, तो अभी आपको वो दिखेंगे कि नागिन काम जब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो भाई जैसे कि मैं दिखा दूँ यहाँ पे भाई देख लो ओरिजिनल मारुति ब्रीजा, जैसे कि फॉग लाइट यहाँ पे लग रही है एलईडी फॉग लाइट, तो देखो भाई यहाँ की तो हो चुकी है इंस्टॉल, और दूसरी तरफ की भैया कर रहे हैं, और एक बार रोशनी चेक कर लो भाई, ये अपनी फॉग लाइट होने वाली है, ये पूरी मतलब इंस्टॉल मतलब पूरी हो चुकी है ना भैया, बस यहाँ पे लगानी है, तो भाई अभी लग जाएगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला काम क्या कर रहा है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं अगली चीज़ भाई क्या चीज़ है। तो ये लो भाई एक बार ये चेक करो, ये अपना लग गया भाई स्टीरियो, तो स्टीरियो भाई हमेशा की तरह अपना ये भाई हमेशा की तरह ये डैप्स का रहने वाला भाई, डैप्स का लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देख लो भाई, नेविगेशन रेडी है, मिरर कास्ट रेडी है, और 9 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले है, प्लस स्टीयरिंग कंट्रोल स्विच रेडी भाई, ठीक है, सबसे बढ़िया हमारे मतलब डैप्स का, और सबसे ज़्यादा बिकता भी यार यही है, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई डैप्स के स्टीरियो के, ठीक है। और साथ में ना इसके साथ भाई 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, हाँ जी हमारे डैप्स के स्टीरियो के साथ आपको मिल जाती है 2 साल की पूरी वारंटी। स्टीरियो के बाद भाई दिखाता हूँ मैं, जो स्टाइलिंग किट चेंज होनी थी तो उसका वर्क भी स्टार्ट हो गया भाई, एक साइड का मतलब कंप्लीट हो चुका है, देखो एक साइड का थोड़ा सा एरिया लग चुका है, एक बार मैं पुराना दिखाता हूँ आपको, पुराना कैसा था, तो ये देखो भाई ये पुराना कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये नया वाला कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये भी हो चुका है भाई अपना कंप्लीट नहीं मतलब इनकम्प्लीट बोल सकते हैं इसका भी मतलब। तो भाई स्टीरियो के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ गत्तों की तरफ, जो गत्तों में हमारे जो काम हो रहा था मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई ये पड़ा अपना गत्ता, और सारे गत्तों में काम हो चुका है, बस हमारा ये एक आखिरी है, एक बार मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये देखो मेन चीज़ ये, तो इसमें भी ना काम कंप्लीट हो चुका है इस बार, और जो दूसरा गत्ता हमारा इसमें भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जो तीसरा भाई तीसरे में भी पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस ये चौथा गत्ता रह रहा है, बस इसमें भी काम अभी हो ही जाएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई। देखो ये इसकी नागिन, और ये अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी फिट, ठीक है। और एक बार पुरानी वाली जो जैसी थी, मैं एक बार पुरानी दिखाता हूँ भाई, नई और पुरानी में फ़र्क देख लेना कितना फ़र्क है भाई। जैसे कि देख सकते हो भाई ये हमारी पुरानी वाली जो नागिन थी, ये कुछ इस तरीके से थी, कुछ ब्लैक कलर की जो कि बेस मॉडल में आती है, और ये नई वाली देख लो भाई बिल्कुल हमारी सिल्वर कलर की रहने वाली है, जो कि ब्रीजा के टॉप मॉडल में लगी हुई आती है। तो भाई देखो सब में लग चुकी है, बस हमारा ये एक गत्ता रह जाएगा, तो उसके बाद ये नागिन का काम यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा, और डैशबोर्ड का काम रह जाएगा, फिर डैशबोर्ड का भी काम एक बार दिखाता हूँ मैं कितना हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ये देखो भाई ये डैशबोर्ड का काम था, ये देखो भाई, तो ये देखो भाई जैसे कि देख सकते हो आप, ये डैशबोर्ड का भी काम कंप्लीट हो चुका है, बस इतने ही मतलब अभी काम इसका चल ही रहा है। तो एक बार दिखाया तो मैं जो पुरानी चीज़ थी, ये देखो ये थी इसकी पुरानी चीज़, और ये इसकी भाई नई चीज़, देखो भाई क्या खतरनाक लग रही है भाई, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली चीज़ लग रही है, और ये एरिया भी पूरा अभी निकलेगा, और ये पूरा का पूरा भी एरिया लगेगा भाई, तो ये पूरी टॉप मॉडल वाली भाई ब्रीजा बन जाएगी, हमारा जो बेस मॉडल है पूरा का पूरा टॉप बन जाएगा। तो वीडियो में बने ना भाई लास्ट तक, और दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें, और बात कर लेंगे हमेशा की तरह कि इस गाड़ी में कितने बजट में कितना काम हुआ है, ठीक है। और इसमें तो और कई सारी चीज़ें लग रही हैं, दिखाता रहूँ जैसे जैसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें भैया को याद आ रही है, भैया बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे काम होता जा रहा है, ठीक है।
सो वेलकम बैक, एक बार दोबारा आ चुके हैं क्योंकि गाड़ी का काम हमारा जितना भी था हो चुका है कंप्लीट। तो एक बार गाड़ी का मतलब बाहर से दिखाए थे, ये तो भाई पहले इसको बंद कर देते हैं और एक बार दिखाते हैं बाहर की तरफ से क्या क्या काम हुआ है, गाड़ी के एक्सटीरियर में क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भाई हमारा फॉग लैंप है जो कि फॉग लैंप चेंज हुआ है, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ अपने अलॉयज भी अपने चेंज हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद दिखाता हूँ भाई देखो साइड बीडिंग भी अपनी पूरी क्रोम के फिनिश के साथ आती है भाई, ये पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है, ठीक है। और साथ में भाई हमें डोर वाइजर भाई देख लो, डोर वाइजर भी भाई पूरे कंपनी फिटेड वाले भाई, बिल्कुल ओरिजिनल वाले, ठीक है, बिल्कुल क्रोम फिनिश के साथ। और साथ में भाई नीचे देख सकते हो भाई साइड बीडिंग बिल्कुल कंपनी फिटेड, एक बार मैं क्लोज से दिखा देता हूँ भाई, ये देखो बिल्कुल क्रोम फिनिश वाली भाई, ठीक है। और एक्सटीरियर में और दिखाता हूँ और क्या क्या काम है एक्सटीरियर में, तो एक बार देख लो भाई, कुछ देखा नहीं ना, तो एक बार देख लो भाई इसमें दिखा देता हूँ, इसमें तो लगा है कैमरा, तो एक बार ये चेक करो भाई, ये कैमरा अपना भाई सेंसर वाला होने वाला है जो कि, तो अपना जो कैमरा होने वाला है भाई वो मूविंग वाला मतलब कैमरा है, जैसे ही मतलब हम हैंडल मतलब ऐसे मूव करते हैं तो कैमरे की जो लाइन्स है वो मूव करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना कैमरा रहने वाला है। और ये इसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ भाई गाड़ी के टॉप पे आप देख सकते हो भाई रूफ रेल, देखो एक रूफ रेल हमारी लग चुकी है भाई लास्ट में जैसे कि देख सकते हो, और एक रूफ रेल भाई ये देखो एक बार दिखाता हूँ मैं, ये चेक करो भाई ये अपनी रूफ रेल है भाई, अभी लगनी है गाड़ी के मतलब, और भाई लेफ्ट साइड वाले एरिया में लग चुकी है भाई और राइट साइड वाला अभी एरिया रह रहा है और अभी लगा देंगे भैया, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी होता है इसे लगाना। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, तो लो भाई गाड़ी इंटीरियर की तरफ आ गए, तो सबसे पहले भाई दिखाता हूँ मैं अपनी हमेशा की तरह जो सबसे बेस्ट चीज़ है ये देखती हूँ। तो भाई डैश का स्टीरियो तो भाई जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमेशा से भाई सबसे बढ़िया चलता हुआ आ रहा है, तो सबसे बढ़िया ही चीज़ भाई मैं तो इसको मानता हूँ डैश का स्टीरियो भाई। एक बार इसकी स्मूथनेस देख लो भाई, क्या स्मूथनेस रहने वाली है भाई, कमाल की स्मूथनेस रहने वाली, जो फोन पे मिलती है स्मूथनेस हमें वही सेम यहाँ पे मिल जाती है। तो एक बार भाई चेक कर लेते हैं भाई पूरा स्टीरियो कैसा मिलने वाला है, तो चेक करो भाई क्लोज से देखो भाई 2 GB रैम रहने वाली है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, तो एक स्टीरियो के लिए इतना काफी है भाई। देखो कंपनी में कई स्टीरियो आते हैं जिन पे लिखा भाई देखो 4 GB और 64 GB होता है, पर मतलब रियल में पता है कितना होता है, वो होता 32 ही है, क्योंकि उनके डब्बे और पैकेजिंग पे देख के ना मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये 4/64 मतलब 4/64 ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं भाई, देखो ये हमारा 32 है पर काम इसका 4/64 वाला बिल्कुल ओरिजिनल जिसे मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना स्टीरियो रहने वाला है, तो स्टीरियो के साथ साथ भाई ये पर स्मूथनेस चेक करो यार, स्मूथनेस तो हमेशा से मतलब बढ़िया ही हमारे स्टीरियो की, तो ये देखो भाई ठीक है ये देख लिया। और एक बार चेक करते हैं सेटिंग में चल के मोर में चलते हैं और मोर में खोल लेते हैं हम अपना अबाउट का ऑप्शन, तो अबाउट का एक बार चेक करो भाई, एंड्रॉइड वर्जन भाई 13 रहने वाला है हमेशा की तरह, एंड्रॉइड वर्जन 13 और बढ़िया ही है भाई मतलब। और इसके साथ में ना भाई आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, 2 साल में कभी भी कुछ दिक्कत आ जाए सीधा रिप्लेस कर देंगे, कोई रिपेयर का चक्कर नहीं, सीधा रिप्लेस, ठीक है। तो भाई अब बारी है नेक्स्ट चीज दिखाने की, तो अगली चीज भाई मैं दिखाता हूँ ये देखो भाई यही हाँ पुराना भाई बेस मॉडल वाला, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है भाई इसकी जगह, ये देखो भाई चीज चेक करो, तो क्या है स्मूथनेस रहने वाली है भाई, क्या ग्रिप है भाई, बिल्कुल बढ़िया डबल टोन के साथ आता है हमारा ये, बिल्कुल सुजुकी का टॉप मॉडल वाला ये हमारा ना रहने वाला अपना ये सुजुकी का टॉप मॉडल वाला भाई स्टेयरिंग, ठीक है चेक कर लो भाई, अगर क्लोज से चेक करा दो भाई, डबल टोन के साथ आता अपना स्टेयरिंग, आधा सिल्वर रहने वाला भाई और आधा रहने वाला ब्लैक, तो रैपिंग की भी कोई दिक्कत नहीं, आपको रैप कराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, देखो टोटली रैप्ड आता है यहाँ से, देखो जैसे कि देख सकते हो सिलाई दिख रही होगी, तो यहाँ से ब्लैक रैप्ड है, यहाँ से सिल्वर फिनिश के साथ भाई पूरा ऐसा एक अच्छा टच मतलब एक अच्छा लुक देता है बिल्कुल टॉप मॉडल में, जैसा कि आप समझ गए हो गया टॉप मॉडल में जो चीज आती है वही चीज देती है। साथ में भाई देखो पूरा स्टीयरिंग भाई मतलब वर्किंग है, ये देखो आवाज में यहाँ से कम करता हूँ, ये देखो भाई चेक करो बिल्कुल पूरा स्टीयरिंग कंट्रोल है भाई, पूरा हब हब के साथ भाई पूरा इंस्टॉल करा गया है, बढ़िया चीज है भाई, सारी चीजें मतलब सारे बटन्स वर्किंग है और स्मूथनेस देख लो भाई, स्मूथनेस बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाली है आपको, ठीक है। और ये चल गया भाई गाने वो करते हैं बंद, ठीक है। तो ये अपना स्टीयरिंग रहने वाला है जिसको रिप्लेस कर दिया गया भाई इसके बदले, ये देखो भाई इसको करते हैं साइड और ये चेक करो भाई स्टीयरिंग क्या कमाल की चीज लग रही है भाई स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग के बाद आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज भाई आर्मरेस्ट, एक बार आर्मरेस्ट देख लो भाई, आर्मरेस्ट मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, ये चेक करो भाई कंपनी इतना स्पेस भाई आर्मरेस्ट में देती नहीं, जो इसमें मतलब आर्मरेस्ट जो नॉर्मल आते हैं बेस मॉडल में, और एक टॉप मॉडल वाला आर्मरेस्ट देख लो भाई इतना बढ़िया बिल्कुल बढ़िया स्पेस है और एक बढ़िया मतलब हैंडरेस्ट के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब एक इसकी ऊंचाई देख लो भाई मतलब अब यार देखो बढ़िया ही बढ़िया, जब आप टॉप मॉडल वाली चीजें आपको यहाँ पे मार्केट में मिल जाएगी हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल, तो फिर दिक्कत ही क्या है, फिर बेस ही लेके आओ टॉप बनवा लो और क्या, सो सिंपल। तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज मैं आपको ये दिखा रहा था जब हमारी वीडियो में बना रहा था इससे पहले, तो आपको मैंने इतना इतना एरिया दिखाया था,
तो अब देखो भाई, अब चेक करो भाई ये चीज, ये देखो भाई पूरा का पूरा भाई टॉप मॉडल वाला पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया भाई, नागिन वागिनी सब जिसे बोलते हैं पूरा टोटली चेंज कर दिया गया पूरा भाई। ये देख लो भाई पूरा सिल्वर और ब्राउन फिनिश की जाती है, देखो जो हमारी लास्ट वाली रिलीज आई थी उसमें भी भाई सेम चीज पूरी लगा दी गई थी। ये देखो भाई पूरा का पूरा भाई टोटली भाई मतलब पूरा सारा काम कर दिया। और इसके बाद भाई दिखाता हूँ नागिन, ये देखो भाई नागिन चेक करो अपनी जो चारों गत्तों में, सारे गत्तों में भी इसका काम मतलब इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखो भाई यहाँ पे भी हुई है और पीछे की गिरी में दिखा दो भाई, पीछे की गिरी में भी अपनी लगी हुई है। और इसके बाद भाई ये देखो अपने जितने भी सारे डूर थे भाई नागिन ने घेर लिया, मतलब हमारे जितने भी दरवाजे थे नागिन ने उसे घेर लिया। तो भाई नागिन हमारे यहाँ पूरी लग चुकी है, स्टेयरिंग हमारा पूरा लग चुका है और हमारा जो कंपोनेंट भाई मेन बात कर लेते हैं कंपोनेंट की, अपने कंपोनेंट यहाँ लगे थे। अब जो कि मैंने दिखाए थे आपको डीडीए कंपोनेंट थे, एक बार आपको मैं डीडीए कंपोनेंट की आवाज सुनाया था कि आवाज कैसे रहने वाली है। चल जा यार तो भाई स्पीकर्स की भी अपनी टेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट, जैसा कि मैं दिखा रहा था अपने कंपोनेंट, हमारे जो कंपोनेंट लगे थे उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि भाई आवाज सुन के आप समझ गए होंगे कैसे रहने वाले हमारे डीडी के कंपोनेंट। तो भाई यही सारी चीजें थी जितना भी था, जो बेस टू टॉप में एक मेजर चीजें होती है मतलब दिखाने के लिए, मतलब एक बेस गाड़ी को टॉप तक ले जाने के लिए यही सारी चीजें होती है भाई मेन। और उसके बाद दिखाते भाई अपने हमेशा अपने सीट कवर, सीट कवर भाई हमेशा से अपने बेस्ट रहे भाई, क्योंकि अपनी फैक्ट्री कस्टमाइजेशन है भाई, ब्लैक फैब्रिक से भाई काम किया गया भाई और व्हाइट थ्रेड देख लो भाई इतने ज्यादा इसको लुक को बढ़ाती है। तो सीट कवर तो भाई अपने हमेशा भाई बिल्कुल बढ़िया रहने वाले, बकेट फिटिंग है भाई और सीट कवर की भाई अपनी भाई मैन्युफैक्चरिंग मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। कभी भी आना कैसी भी सीट कवर बनवाना वैसा साइड से सीट कवर बन जाएगा, जैसा आपको चाहिए होगा वैसा सेम टू सेम सीट कवर बन जाएगा। तो भाई सीट कवर के बाद मैं जैसा कि दिखा दूं भाई यहाँ पे हुई अपनी फ्लोरिंग, फ्लोरिंग देख लो भाई हमेशा की तरह अपनी वही रहने वाली क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग। और फ्लोरिंग के बाद ये देखो भाई चेक करो गाड़ी के लुक को बढ़ाने वाली चीज अपनी ये वेलकम लाइट, तो जो कि भाई एक बार लुक देख लो दूर से दिखाता हूँ भाई अलग ही दिखती है अपनी वेलकम लाइट जितनी भी, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है भाई ब्लू कलर है तो दूर से अच्छी तरह दिख जाता है। तो ये सारी चीजें थी भाई और चलते हैं भैया के पास और जानते हैं कुछ और चीजें। तो भाई एक चीज मैं और बता दूं, इसमें जो सीट कवर्स लगे थे इनमें जो बैक का जितना भी पोर्शन था तो इसमें भाई हेडरेस्ट नहीं थे, विदाउट हेडरेस्ट की थी भाई ये सारी चीजें, तो इसमें हमने अपना हेडरेस्ट भी लगा दिया भाई। एक बार देख लो चेक करो भाई बिल्कुल ओरिजिनल वाला, आप कोई मतलब बोल ये नहीं बोल सकता कि इसमें पहले से नहीं था। तो इसमें भाई हेडरेस्ट भी लगा दिया सीटों के साथ जितना भी था भाई हमारे इस भाई ने किया है, तो सारा काम हमारे इन भैया ने किया है ना भैया। तो भैया मतलब कोई से भी मतलब एज अ सीट कवर जिसमें हेडरेस्ट ना हो सब लग जाता है, है ना। तो भाई कभी भी आना, मैं भैया हमारे मिल जाएंगे मार्केट में हमारी शॉप पे, है ना भैया। हाँ। तो भैया एक बार अपना नाम बता दो, रवि। तो रवि नाम है भाई भैया का, तो कैसा भी काम हो भाई सीट कवर का हमारे भाई सारा मतलब शॉप का काम हमारे ये वाले भैया ही करते हैं। तो भाई यही छोटी छोटी चीजें, सीट कवर हो गया, नागिन हो गई, अपना स्टीरियो हो गया, स्पीकर्स कंपोनेंट हो गए, अपने स्टीयरिंग हो गया, ये टॉप मॉडल वाली जितनी भी चीजें ना भाई यही सारी चीजें लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टीयरिंग भाई एक बार दोबारा ये देख लो अपना ये आर्मरेस्ट, और सीट कवर के बारे में भाई मैं जितना था सारा बता दिया है। तो यही कुछ सारी चीजें थी, तो जैसा था भाई आई होप आपको पसंद आया होगा। और चलते हैं और पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में जितनी भी कुछ चीजें, ठीक है, और कंप्लीट करते हैं वीडियो को पूरा। जितना भी काम था भाई अपनी वीजा में अपना हो चुका है भाई कंप्लीट, और चलते हैं भैया के पास और जानते हैं कुछ रिव्यू की भी बात भी कर लेते हैं भैया से। तो फाइनली भाई जितना भी वक्त था हमारी ब्रीजा का मैंने दिखा दिया था, तो साथ में भाई हमारे भैया हैं। तो भैया सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमारे भैया है जो विटारा के हमारे मतलब ब्रीजा के ओनर हैं। तो भैया तो बता दीजिए मतलब कैसा काम हुआ है? काम भाई साहब बहुत जबरदस्त काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ मतलब कुछ चीजें मुझे यहाँ कोलबाग में अलग अलग दुकानों पे जो मैं देखने गया और यहाँ का जो रेट था कंपेरिजन किया मैंने, बहुत जबरदस्त रेट था
और काम की मैं फिटिंग की बात करूं तो बहुत जबरदस्त कारीगर आपके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मतलब सेटिस्फेक्शन है या नहीं भैया? 100% सेटिस्फेक्शन है। तो मतलब आज करोल बाग आप आए तो क्या सोचा, मतलब शॉप पे आने की, मतलब सीधा शॉप पे हमारे आए या फिर पहले रेट ट्राई करें मार्केट में? मार्केट में रेट ट्राई किए। अच्छा, रेट ट्राई करें तो मार्केट से और हमारी शॉप में से क्या मतलब डिफरेंस है या नहीं है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मार्केट में ना हर चीज का अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंस है। कुछ चीजें कहीं महंगी है, कुछ चीजें सस्ती है, लेकिन ओवरऑल अपनी शॉप पे जो आपके यहाँ पे मैंने काम कराया है तो ओवरऑल काम अच्छा था और रेट भी अच्छे थे बहुत। तो मतलब बजट में काम हो गया है सारा? बजट में काम जो सोच के आया था ना उसी बजट में काम हो गया मेरा। तो मतलब भाई देखो बजट में सारा काम हो गया भैया का। तो भैया क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने जो फैमिली फ्रेंड वाले लोग हैं, अब हमारे जो व्यूवर हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? भाई सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड जितने भी है ना उन सबको मैं यहीं भेजूंगा, मैं अपनी रेफरेंस दूंगा, भाई मेरा नाम लेके वहाँ पे काम कराओ, भैया अच्छे से रिगार्ड भी करेंगे पैसों में भी हर चीज में। दूसरा क्या है कि भाई आगे जो मैं आपके आपके जो भी आपके व्यूवर हैं जो देख रहे हैं आपकी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं जो आपकी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी यही बोलूंगा भाई एक बार आओ जरूर, एक बार भले रेट ट्राई करो, है ना, रेट ट्राई करो मार्केट में। मेरे को अच्छा लगा भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो भैया अब नेक्स्ट जो गाड़ी होने वाली है आपकी कब ले रहे हो फिर पहले तो ये बताओ। मैं अभी क्रेटा गाड़ी ले रहा हूँ, बस मेरा दिमाग अभी ना क्रेटा पे आ गया, क्रेटा पे आ गया है और क्रेटा का मॉडिफिकेशन मैं यहीं से करा के जाऊंगा सारा का सारा। तो फिर कब तक आ जाएगी हमारी क्रेटा अपने दो हजार 2024 में भाई, अभी बजट थोड़ा सा डगमगा। अरे कोई बात नहीं भैया, 2024 का हमारी दोस्त तो भैया आप अगले महीने ले लो, है ना, 2024 में क्रेटा लेके आएंगे और डेफिनेटली मैं प्रोमिस करके जा रहा हूँ आपको मैं यहीं आऊंगा। तो भाई देख लो, जैसे कि भैया ने वीडियो में बोला है कि डेफिनेटली यहीं आएंगे, तो भैया थैंक यू सो मच आप आए और मैं चाहता हूँ आपके फैमिली फ्रेंड भी यहीं आए, तो इस बात की पक्की गारंटी है ना? पक्का 100% यही है, है ना, बिल्कुल। तो भाई जैसे कि हमने भैया से भी रिव्यू ले लिया है, तो जैसे कि भाई हमारे रिव्यू हमेशा की तरह टॉप वाले ही हैं, तो मैं तो यही कहूंगा भाई दुकान पे आओ, रेट ट्राई करो, उसके बाद ही भाई मतलब या फिर मार्केट वाले ट्राई करो, उसके बाद मैं दुकान के रेट ट्राई करो, तो भाई बहुत मेजर डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जितना भी रीजा का वर्क था सारा हो गया कम्प्लीट और रिव्यू भी हमारे हो चुके हैं कम्प्लीट, तो करते हैं वीडियो का एंड और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर मतलब जरूर करें यार उन बंदों के साथ जिनके पास ब्रीजा या फिर जो ब्रीजा लेने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो आप लाइक करें क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की।